ओम शांति बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठशाला में आपको सिखाएंगे ए से एड़ी की मात्रा के शब्द। इससे पहले भी हमने आपको मात्रा के शब्द सिखाए हैं ए से एड़ी के, आज हम सिखाएंगे तीन अक्षर के शब्दों का। तो बच्चों, ये है ए से एड़ी और अब सीखते हैं इसके तीन अक्षर के शब्द। तो पहला देखिए, नेवला। ना पे की मात्रा लगी है व और ला पे फिर आ की मात्रा लगी है, नेवला। इसके बाद है बेलन। बेलन जो कि रसोई घर में प्रयोग होता है, ब पे लगेगी ए की मात्रा, बेलन, बेलन। बेलन के बाद देखिए रेशम। रेशम बच्चों, ये कीड़े द्वारा उत्पादित होता है, एक कीड़ा इसको बनाता है और इससे बहुत सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम। इसके बाद देखिए, अब हम सीखते हैं ए की मात्रा का दूसरे अक्षर पर प्रयोग, सवेरा। सवेरा यानी कि मॉर्निंग, सवेरा। उसके बाद देखिए जलेबी, इसे तो आप सभी परिचित हैं, जलेबी। ला पे लगेगी दूसरे अक्षर पर ए की मात्रा और फिर बा पे बड़ी ए की मात्रा, जलेबी। तो बच्चों, अब देखते हैं इसके अतिरिक्त अन्य ए की मात्रा के तीन अक्षर के शब्द जो मैं आपको बताती हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका के लिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम एक ही मात्रा के कुछ और शब्दों को तीन अक्षर पर। ये है आपका ए से एड़ी और ये होती है बच्चों इसकी मात्रा जो एक होती है, ठीक है। और ये हमेशा प्रत्येक व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। तो बच्चों, ये है देखिए आपका नेवला, इसको इंग्लिश में मोंगूस कहते हैं और ये एक प्रकार का चूहे जैसी आकृति वाला होता है। चेहरा, चा पे हम लगाएंगे एक ही मात्रा, चे ह र आ, चेहरा। इसी प्रकार से आप इसकी रीडिंग करेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए ब, ब पे लगाएंगे ए, बे ल न, बेलन। फिर देखिए किस तरीके से आपको इन शब्दों का वाचन करना है, क ए स र, केसर। केसर बच्चों एक प्रकार का जड़ी बूटी है, हर्ब है जो हम दूध में प्रयोग करते हैं इसका। फिर है रे श म, रेशम। रेशम जो कि एक बहुत ही सुंदर धागा होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। फिर देखिए से व क, स पे ए लगा है, से वक, सेवक यानी कि नौकर, सर्वेंट। बच्चों, जिसके ऊपर भी हम एक ही मात्रा का प्रयोग करते हैं उसके साथ ही उसको उच्चारित भी करते हैं। ये देखिए स, अब स पे नहीं है, दूसरे अक्षर पर है तो उसको स बोलेंगे, वे रा, सवेरा। ठ ठे रा, ठठेरा जो बर्तन बनाते हैं। स पे रा, सपेरा। प हे ली, पहेली। ये बच्चा पहेली सोच रहा है कि इसका क्या उत्तर होगा। ह वे ली, हवेली, जो कि एक महल जैसे भवन को हवेली कहते हैं। फिर है ज, फिर ले बी, जलेबी। अब बच्चों, ये है आपका गृह कार्य, चित्रों के नाम आपको पूरे करने हैं, ठीक है। और आप इनके संग में अगर वाक्य बना सकते हैं तो इसके साथ में आप वाक्य बना सकते हैं साथ में, ठीक है। ये देखिए ह थे ली, हथेली, ठीक है। मेरी हथेली ला, या हथेली बड़ी है, कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। सितार, तो सितार का क्या बन जाएगा, सितारे। आसमान में सितारे हैं, आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं इनका। फिर है कपड़ा का, ये है कपड़े। एक ही मात्रा का प्रयोग करना है, आ की मात्रा का नहीं करना है, कपड़े। तो ठीक है, कपड़े सूखे हैं, बहुत छोटा सा वाक्य आप बनाएंगे। पर्दे, पर्दे नीले हैं। लड़के, लड़के चार हैं, या लड़के दौड़ते हैं, कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ये तो थे आपकी एक ही मात्रा के शब्द बच्चों, और इनको सुंदर सुलेख में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और मुझे दिखाइए। टिल देन, बाय स्टूडेंट्स।